उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। बर्फीली हवाओं से दिल्ली एनसीआर में भी पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में आज पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में गिरते पारे ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश के उत्तर पूर्वी भागों में भी पारा 4 डिग्री के आसपास है। वहीं जम्मू कश्मीर में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी सामने आ रही है, जहां पहाड़ों पर 6 दिनों से बर्फबारी जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी से शिमला में तापमान गिरकर -3.2 डिग्री तक पहुँच गया है। यहाँ बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बर्फबारी से सैलानी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि शिमला में अगले 2 दिनों तक हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं भारी बर्फबारी से बिजली और पानी की सुविधा पर भी काफी असर पड़ा है। भारी बर्फबारी के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों, खासकर पश्चिमी यूपी में बुधवार को दिन भर चली बर्फीली हवाओं ने सर्दी के सितम में और इजाफा कर दिया है। तो एक तरफ ठंड, वहीं दूसरी तरफ कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट्स देरी से चल रही है। ठंड और कोहरे के डबल अटैक से उत्तर भारत की करीब 27 ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ, जबकि 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं 7 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। तो ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं, लेकिन लगातार गिर रहे पारे से सभी उपाय बेअसर हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी हालात ऐसे ही बने रहेंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।